इफ यू आर समवन जिसकी एक विश है, जिसका एक सपना है फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करने का या वहां पर जाके सेटल होने का, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाकर अपने इस सपने को, अपने इस विश को पूरा कर सकते हो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ना सिर्फ इंग्लिश के थ्रू, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तब भी आप विदेश में, आप एक फॉरेन कंट्री में जॉब कर सकते हो। एंड यस, इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली उन कंट्रीज के बारे में एज अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के रूप में जॉब करने के लिए बता रहा हूँ जिन कंट्रीज की जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ऐसे में इंग्लिश टीचर्स की जो डिमांड है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ाते हैं। तो जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि यू गेट पेड वेल। फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में, जो विकसित देश होते हैं, वहाँ पर टीचर्स को अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो ये है पहला बेनिफिट। जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि हमें इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपके CV में या रिज्यूमे में ये मेंशन है कि आपके पास में इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के जो दरवाजे हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में खुल जाते हैं। इवन अगर आप इंडिया में भी वापस आते हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड जो तीसरा बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में, स्पेशली किसी डेवलप्ड कंट्री में मान लो जॉब करते हो, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पर आपको उनके कल्चर को जानने का मौका मिलता है, आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर अपने लिए देखते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इनफैक्ट पास्ट में ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने विदेश में जाके जॉब करी और वहाँ पर जाके उन्होंने कई सारी संभावनाएँ देखी, कोई बिजनेस मॉडल देखा, वापस अपने देश में आए और उसी मॉडल को उन्होंने कॉपी किया और आज बहुत सक्सेसफुल है। हमारे देश की अगर हम बात करें तो ओला और ये फ्लिपकार्ट उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। इनफैक्ट धीरू भाई अम्बानी ने भी विदेश में जॉब की है और वहीं पर जाके उन्हें ये मालूम पड़ा कि विदेश में जो इंडिया के जो मसाले होते हैं उनकी बहुत मांग है, वहाँ पर बहुत डिमांड है और इंडिया में पॉलिएस्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जब वो वापस इंडिया आए थे तो उन्होंने इसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वी गेट अ ह्यूज एक्सपोजर। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर बनने के लिए एक फॉरेन कंट्री में जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है? वैसे तो डिफरेंट कंट्रीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताऊँगा जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में एप्लीकेबल होती हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ सर्टिफिकेशन, कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि ये TEFL। TEFL मीन्स टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेशन है सो यू आर क्वालिफाइड टू टीच इंग्लिश इन अब्रॉड, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ा सकते हो। अगर आपके पास में कोई डिग्री है जैसे BA इन इंग्लिश या मास्टर्स इन इंग्लिश, तो आपके पास में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन अगर आपके पास में डिग्री नहीं है और आपके पास में सिर्फ ये TEFL है, तब भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो अलाउ करती हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए अपने देश में थ्रू दिस सर्टिफिकेशन। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिस कंट्री में भी आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हो तो उस कंट्री की जो नेटिव लैंग्वेज है वो भी आपको आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे फ्रांस में जाके इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी है तो मेरी फ्रेंच लैंग्वेज में भी कहने की अच्छी कमांड होनी चाहिए, मेरा फ्रेंच लैंग्वेज में एक लेवल होना चाहिए। अगर आपकी उस कंट्री की जो नेटिव लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस लैंग्वेज को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हमारी फ्लुएंसी अच्छी होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में। जब मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ता था तो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज की एक प्रोफेसर थी, वो एक साल के लिए पेरिस में इंग्लिश पढ़ा के आई थी। अब वो ऐसा क्यों कर पाई? क्योंकि एक तो उनका फ्रेंच लैंग्वेज में एक अच्छा लेवल था, साथ ही उनके पास में इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सर्टिफिकेशन भी थे, इसलिए शी वॉज एबल टू टीच इंग्लिश इन फ्रांस। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैं एक स्कूल में एज अ फ्रेंच लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर जॉब करता था और मुझे स्कूल की तरफ से एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जाना था फ्रेंच लैंग्वेज की किसी स्कूल में नोएडा के। तो वहाँ पर अलग अलग स्कूल्स के कई सारे फ्रेंच लैंग्वेज टीचर्स ट्रेनर्स थे, वहाँ पर 2 फॉरनर्स भी आए थे
जो मसूरी से आए थे, मसूरी के एक स्कूल है वुडस्टॉक स्कूल, काफ़ी बड़ा स्कूल है, तो वो लोग वहाँ पर टीचर्स थे। जो पहला फॉरेनर था वो वहाँ पर फ्रेंच पढ़ाता था, और जो दूसरा फॉरेनर था वो वहाँ पर फ्रेंच और स्पैनिश दोनों पढ़ाता था, क्योंकि जो दूसरा पर्सन था वो स्पेन से था और उसको फ्रेंच और स्पैनिश दोनों आती थी, और जो पहला वाला था वो फ्रांस से बिलोंग करता था। तो जब मैंने ये सब देखा तो आई हैड एन इंटरेक्शन विद देम। मैंने उनसे पूछा कि वॉट आर दे डूइंग इन इंडिया, दे सेड कि दे आर ट्रैवलर्स, और वो ऑल ओवर इंडिया को घूम रहे हैं वाइल अर्निंग मनी। ऑल ओवर इंडिया में वो घूम रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ में पैसा भी कमा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज़ में घूमते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, कुछ टाइम के लिए उस कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं, फिर किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर टू अप्लाई, हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं एज अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जॉब के लिए फॉरेन कंट्री में। तो वहाँ पर हम पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत अच्छा पे भी करते हैं। बट बिफोर अप्लाइंग हमें देखना पड़ेगा जिस कंट्री में भी आप जा रहे हो वहाँ पर जो टीचर का हायरिंग सीजन होता है वो कब होता है। जैसे इंडिया में स्कूल्स में हायरिंग होती है टीचर्स की दिसंबर से लेकर अप्रैल तक, तो वहाँ पर आपको उस कंट्री का देखना है कि वहाँ पर टीचर्स की हायरिंग कब होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। नाउ एट द एंड अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हो या एक्सपर्ट हो, उसके बावजूद भी आपकी एक फॉरेन कंट्री में जॉब लग सकती है, स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज लाइक कतर, अबू धाबी, इवन दुबई। दुबई में कई सारे इंडियन स्कूल्स भी हैं जहाँ पर कई सारे इंडियंस काम कर रहे हैं। मेरा खुद का एक फ्रेंड है, आज से करीब 5-6 साल पहले उसकी अबू धाबी के एक स्कूल में जॉब लगी थी, और उसका उस टाइम पे जो सैलरी पैकेज था वो था करीब 60,000 प्लस पर मंथ, अलॉन्ग विथ फ्री अकोमोडेशन एंड मील्स, यानी कि फ्री रहना और खाना। तो इन गल्फ कंट्रीज़ में आपको एज अ सब्जेक्ट टीचर बहुत मौके मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगेन इन कंट्रीज़ में अप्लाई करने से पहले डू चेक कि इन कंट्रीज़ के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हायरिंग सीजन कब होता है टीचर्स का। एक काम आप और कर सकते हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर आता है उसके साथ में एक और न्यूज़पेपर आता है हर वेडनेसडे को, दैट इज़ टाइम्स एसेंट। तो उसमें आपको जॉब्स के बारे में पता पड़ता है, इंडिया में जितनी भी जॉब्स निकलती हैं उनके एडवर्टीजमेंट आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इवन ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनके स्कूल्स के भी एडवर्टीजमेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप पर वीक यहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो इन जॉब्स के बारे में। आप किस कंट्री में सेटल होना चाहते हो या काम करना चाहते हो ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, एंड इस वीडियो को लाइक और बाकी लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता पड़े।